मेरा नाम अहमद रईस है और मैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लानर हूँ। ये पॉडकास्ट इसी चीज़ के ऊपर है कि आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है और उनके रिटर्न्स आप कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी है दैट इज़ डायनामिक्स ऑफ रियल स्टेट। ये पाकिस्तान में पता ही नहीं है लोगों को कि उन्होंने इन्वेस्ट कैसे करना है। डायनामिक्स क्या है रियल स्टेट के? डायनामिक्स एक आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं जो नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स होते हैं, यानी कि जिनकी पोजेशन आपको नहीं मिली हुई होती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, पाकिस्तान डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। हाई राइज बिल्डिंग्स आ जाती हैं, नॉन पोजेशनेबल फ्लैट्स आ जाते हैं, होटल अपार्टमेंट्स आ जाते हैं और फार्मिंग लैंड आ जाती है। आपने इन सारों में आप सोच क्या रहे हैं, आप प्लान क्या कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता। ये ऑब्वियसली जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, या जिस टाइम पे आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अल्लाह ना करे कि आपका प्रॉब्लम हो, मगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप लॉयर के पास जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, वो भी रियल स्टेट के अंदर, तो आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है कि आप पैसे किधर इन्वेस्ट करें ताकि उसमें से मैक्सिमम रिटर्न आप निकाल सकें। तो उसमें कुछ रियल स्टेट की डायनामिक्स हैं, वो डायनामिक्स मैंने आपको बताई हैं। एक नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, होटल अपार्टमेंट्स हो गए, फार्मिंग लैंड हो गई, आपका बजट कितना है, आपको लोकेशन क्या सूट करती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बंदे के पास 1 to 2 million उसका बजट है, वो ये चाह रहा है कि ये मेरा एक्स्ट्रा बजट है, मैं कहीं इसको इन्वेस्ट कर दूं और इससे कोई रिटर्न मुझे अच्छा पैसे में इनकम आने लग जाए। तो उसके लिए लोकेशन क्या है, वो कौन सी चीज़ विजिट कर सकता है कल को, उनमें से कौन सी चीज़ अपने लिए वो एज अ एंड यूज़र यूज़ करेगा, ये उसको नहीं पता। वो ऑब्वियसली जब हमसे कंसल्ट करेगा, मुझसे कंसल्ट करेगा, तो ही मैं उसको बता सकूंगा कि आपका बजट इतना है, आप इसको इस तरह से प्लान करें। अब नॉन पोजेशनेबल जो जितने भी होते हैं ये प्लॉट्स होते हैं, उनके अंदर आपको प्रॉफिट किस तरह से होता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, प्लॉट आपने बुक करा लिया, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप किस उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं पर मंथ दे रहे हैं, 4 साल के बाद आपको प्लॉट डिलीवर हो जाता है। शर्त ये है कि बिल्डर सही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका बिल्डर सही है, तो आपको जैसे ही वो प्लॉट मिलेगा तो आपका रिटर्न इंक्रीज हो गया। हाई राइज बिल्डिंग में आपको चीज़ मिलती है पर स्क्वायर फीट पे, आपने कितने स्क्वायर फीट परचेस किए हैं, किस रेट पर आपने परचेस किए हैं, और वो आपके इंक्रीज कब हो रहे हैं, और उस जगह की लोकेशन आपको कौन सी सूट करती है। ऑब्वियसली कुछ थोड़ा सा आपका अपना भी एक माइंड सेट होता है, आप कहते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसी चीज़ को उसी गैलरी में इंसान जाकर और वहाँ से इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं। तो ये डायनामिक्स हैं रियल स्टेट के। लोगों को ये नहीं पता पाकिस्तान के अंदर कि उन्होंने इन्वेस्ट इन डायनामिक्स में किस चीज़ में करना है, नॉन पोजेशनेबल उसमें प्लॉट्स में करना है, हाई राइज बिल्डिंग्स में करना है, उसमें होटल अपार्टमेंट्स में करना है, कमर्शियल में करना है। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है, आ रहा है, बार बार आ रहा है, जिस चीज़ को मैंने बेहद फेस किया, जिसकी वजह से मैंने ये प्लान किया कि मैं ये चीज़ शुरू करता हूँ ताकि मैं लोगों को समझा सकूँ, उनको बता सकूँ कि ये इसके अंदर फ्रूट है रियल स्टेट के अंदर। कोई फ़र्ज तो नहीं है ना कि जो पैसा कमा रहा है वही पैसा कमाता जाएगा, हमने भी पैसा कमाना है ना हमने भी पैसा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि रियल स्टेट में आएँ और इसकी ये डायनामिक्स हैं डिस्कस करें, इसमें से रिटर्न्स कैसे निकालने हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको जो है ना, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन भी करूँगा और ब्रीफ भी करूँगा।